नरसिंहपुर में किसानों के समर्थन में जिला कांग्रेस ने भारत बंद का समर्थन किया। दिल्ली में चल रहे किसान संगठनों द्वारा किसान आंदोलन को राष्ट्रव्यापी समर्थन के लिए शांतिपूर्ण भारत बंद आहूत किया गया था और कांग्रेस पार्टी सहित कई राजनीतिक पार्टियों ने किसानों के समर्थन में इस बंद को अपना समर्थन दिया। इसी क्रम में नरसिंहपुर जिला कांग्रेस ने भी मंगलवार को ट्रैक्टर रैली निकालकर 3 बजे तक सभी से प्रतिष्ठान बंद करने व किसान संगठनों के द्वारा बुलाए गए शांतिपूर्ण भारत बंद को किसानों के हित में पूरी ताकत से सफल बनाने में सहयोग करने की अपील की। देखिए संभागीय रिपोर्टर दशरथ वंशकार की है खास रिपोर्ट। किसान संगठन जो धरने पर बैठे हैं उनका कहना है कि हम किसी का समर्थन नहीं चाहिए, फिर भी कांग्रेस पार्टी समर्थन मांग रही है और भाजपा कह रही है राजनीति कर रहे हैं। देश का पेट भरने वाला अन्नदाता किसान आज खुद अपने पेट के हक की लड़ाई के लिए विगत 14 दिन से सड़कों पर बैठा हुआ है और ये किसानों के दम पर बनने वाली सरकार आज उनकी अनदेखी कर रही है, उनकी बातों को सुन नहीं रही है। ये सरकार जो मुकेश अंबानी और गौतम अडानी की सरकार, उनको सीधा फायदा पहुंचाने के लिए आज वो किसानों के हितों के साथ खिलवाड़ कर रही है। आज हमारे तिवारी जी ने जैसे बताया, यदि किसानों के हितों में ये निर्णय लिए गए हैं तो किसान तो यही पूछ रहे हैं, पहले ये तो बताइए किस किसान ने, किस किसान संगठन ने ये आपसे अनुरोध किया था कि आप ये 3 बिल लेकर आए जो आज उनके लिए काले बिल हो गए, उनके हक की लड़ाई के लिए वो लगातार आज 14 दिन से खड़े हैं, वहाँ पर बैठे हैं, सड़कों पर बैठे हुए हैं, उनका पूरा परिवार, महिलाएं जाके आज घर की खेती देख रही हैं, उनके बातों को सुनने वाला कोई नहीं है। यदि वो कह रहे हैं कि उनको कोई का समर्थन नहीं चाहिए, भाई किसान का समर्थन तो चाहिए है। किसान इसमें अपना सिर्फ समर्थन दे रही है, किसानों के हक की लड़ाई के लिए किसान कांग्रेस ने हमेशा किसानों के हितों की रक्षा की। आज मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी ने किसानों के दुख दर्द को समझते हुए किसान ऋण माफी योजना लागू की थी और उनके माध्यम से आज देश के कई किसानों का कर्जा माफ हो चुका था। यदि सरकार नहीं जाती तो आज किसानों का कर्जा माफ हो चुका होता। आज हमारे किसान बिजली के लिए परेशान है, बड़े हुए बिलों के लिए परेशान है, कोई उनका सुनने वाला नहीं है, उनकी जो फसल बीमा का जो मुआवजा मिलना है उसका कोई देने वाला नहीं है। सरकार अनदेखी कर रही है लगातार किसानों की, इसलिए आज संगठनों के साथ, पूरे किसान संगठनों के साथ कांग्रेस भी उनके लिए मैदान में उतरी हुई है। हमारा पूरा समर्थन उनके लिए, कांग्रेस किसानों के समर्थन में उतरी है तो भाजपा बोल रहे कि आप अफसर देख रहे हैं राजनीति का। सबसे पहले आज कांग्रेस नहीं उतरी, कांग्रेस ने समर्थन किया है, किसान उतरे, हम सब पहले किसान हैं उसके बाद कांग्रेस के सदस्य हैं, इसलिए हम लोग ट्रैक्टर पर बैठ के, आपने खुद देखा हम लोग खुद चला रहे थे, कोई कांग्रेस का झंडा नहीं था। भाजपा जो कहती है मुझे समझ में, मतलब हास्यास्पद विषय है कि ये लोग इसको क्यों जबरदस्ती राजनीतिक तूल देते हैं। केंद्र सरकार ने जिस तरह 3 किसान बिल लोकसभा में बिना कोई किसान संगठनों, बिना कोई दूसरी राजनीतिक पार्टियों की चर्चा के पारित किए हैं, वो किसानों के हित में नहीं है। आज आप देख रहे हैं सारे देश में किसान उसका विरोध कर रहे हैं, प्रचंड मात्रा में, बड़ी संख्या में दिल्ली जाम करे हैं। तो आज जो भी किसान संगठनों ने ये आंदोलन किया है उसके हम किसानों ने साक्षात उसका विरोध किया है, कांग्रेस ने उसको समर्थन दिया। आपने देखा होगा हमारी रैली में कोई कांग्रेस का झंडा नहीं था, कोई कांग्रेस का बैनर नहीं था, उसके बाद भी भाजपा के लोग जो झंडा लेके आए और जिस तरह नारेबाजी की, इसकी हम लोग निंदा करते हैं और इस तरह की परिस्थितियां इनको पैदा नहीं करना चाहिए। सरकार कह रही क्या किसान के हित में है विधेयक है? नहीं, यदि सरकार कह रही है, सरकार कह रही है तो किसान पागल नहीं? जो लाखों की संख्या में किसान दिल्ली को जाम किए और यदि जब इस तरह का बिल लाए थे तो किसान संगठनों से लोकसभा या राज्यसभा में विपक्षी दलों के भी सुझाव आमंत्रित करते, क्योंकि नीतिगत निर्णय इस तरह एकदम नहीं लिए जाते। आप मीडिया के लोग सुनिए, आपको भी मालूम है 9 बजे रात को प्रधानमंत्री जी कहते हैं जो कागज के टुकड़े हो गए, नोटबंदी कर दी, ठीक है साहब। उसके बाद दूसरा, अब आप देखिए GST ला दिया, आज व्यापारियों के आप कह रहे हैं हित में, व्यापारी कह रहे हैं नहीं है। जब
आप जान रहे थे कि कोरोना देश में आ रहा है, केरल में पहला केस मिल गया, उसके बाद भी आपने कोई उस पर कंट्रोल की बात नहीं की, और रात को आप कह रहे हैं कि आज रात से लॉकडाउन, लाखों लोग, करोड़ों लोग परेशान हो गए, घर नहीं पहुंचे, रास्ते में मर गए। तो ये प्रजातंत्र में कोई भी कानून चर्चा के बाद जनहित में है या नहीं उसके बाद बनाए जाते रहे हैं और बनाए जाना चाहिए। और यदि इस तरह एक आदमी बोल दे कि नहीं हम बोल दें कि नरसिंहपुर बंद, तो तानाशाही नहीं है। ये देश में प्रजातंत्र है और उसका किसान संगठनों का कांग्रेस ने समर्थन किया है, और हम सब किसान हैं, यहाँ जितने हैं एक भी नहीं है जिनके नाम से जमीन ना हो, यहाँ पूछ लो। और भाजपा के जिनको लेके आए थे वो सब वो थे जो पकड़ के लाए थे, शायद उनके पास एक इंच जमीन भी नहीं होगी।